दुबे केस में जिस सीसीटीवी फुटेज का सभी को इंतजार था वो फुटेज सामने आ गया है अगले कुछ पलों में हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं यकीन मानिए फुटेज को देखने के बाद आज आपको तो जो अब तक आपके जहन में सुलग रहे थे तो चलिए देखिए सारनाथ होटल के बाहर और अंदर की तस्वीर छब्बीस मार्च को रात के करीब एक बजकर उनचास मिनट पर जब काशी नगरी गहरी नींद की आगोश में थी होटल के बाहर काले रंग की एक गाड़ी रुकती है गाड़ी में दो लोग सवार होते हैं एक गाड़ी चला रहा होता है तो दूसरा कोई और नहीं खुद भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे होती है गाड़ी रुकने के साथ ही पहले ड्राइविंग सीट से जीन्स पैंट और काले रंग की टी शर्ट पहना यह नौजवान उतरता है उसके एक हाथ में शायद मोबाइल फोन होता है जिसे वो युवक अपनी पैंट के पिछले वाले पॉकेट में रखता है और दूसरे हाथ से पीछे वाला दरवाजा खोलता है थोड़ी देर में युवक पिछले सीट पर पड़े आकांक्षा दुबे के पर्स को उठाता है और फिर ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी आकांक्षा दुबे को उतरने के लिए कहता है और दरवाजा खोलता है कुछ पल के अंदर आकांक्षा दुबे भी कार से बाहर निकलती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उनका लिबास भी काले रंग का होता है बिल्कुल युवक की टी शर्ट की तरह जींस और टॉप पहनी आकांक्षा दुबे गाड़ी से उतरते ही होटल की ओर बढ़ती हैं और चंद सेकेंड में वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती हैं। अब दूसरे एंगल की तस्वीर देखिए आकांक्षा दुबे रेलिंग के सहारे सीढ़ियों पर चढ़ती नजर आ रही है और पीछे से यह युवक भी आगे बढ़ता नजर आता है अभी तक सब कुछ सामान्य दिख रहा है एक बात जो असामान्य दिख रही है वो ये है कि आकांक्षा दुबे के पांव थोड़े लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं होटल के कर्मचारियों ने ऐसा बताया भी था एक और गौर करने वाली बात ये जो तस्वीर में दिख रही है और वो ये है कि युवक आकांक्षा दुबे के पर्स में कुछ ढूंढता नजर आ रहा है कमरे के बाहर आने के बाद दोनों रुक जाते हैं और फिर पर्स वहाँ की मेज पर रखकर कुछ तलाशने लगते हैं। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता है यानी करीब डेढ़ मिनट तक तस्वीरों से साफ मालूम नहीं चल रहा है कि किस चीज की तलाश दोनों मिलकर कर रहे हैं चूँकी कमरे के ठीक बाहर दोनों हैं, लिहाजा हो सकता है कि या तो कमरे की चाबी या फिर मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं। दिख भी रहा है कि आकांक्षा उसके बाद मोबाइल फोन पर बात करती हुई कमरे की तरफ बढ़ती है युवक भी आकांक्षा दुबे के पीछे पीछे कमरे के अंदर की तरफ बढ़ता है लेकिन फिर वो अचानक मुड़ जाता है उसके बाद वो वापस आता है और अपने हाथ में रखे कुछ सामान को पर्स में डालकर जिस कमरे में आकांक्षा गई होती है उसी के अंदर दाखिल हो जाता है हालांकि इस दौरान उसके पाव भी एक बार ही सही लड़खड़ाते हैं लेकिन वो खुद को संभाल लेता है उसके बाद तीसरे एंगल से एक फुटेज दिखता है जिसमें दोनों होटल के अंदर दाखिल होते दिख रहे हैं तब होटल का गार्ड दरवाजा खोलता नजर आ रहा है और एक कर्मचारी रिसेप्शन पर दिख रहा है उसके बाद कहा जा रहा है कि युवक सत्रह मिनट बाद कमरे के बाहर निकलता है और अगले दिन रविवार को साढ़े दस बजे आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी मिलती है जानकारी के मुताबिक इस युवक का नाम संदीप है जिसके बारे में कहा जा रहा है की वो आकांक्षा दुबे को बर्थडे पार्टी के बाद होटल छोड़ने आया था